एथ, कक्षा 8, हिंदी मीडियम, चैप्टर 11, अक्षेत्र मिति, एक्सरसाइज 11.1। अब इसके अंदर ये सवाल देखो, ये है कि इस सारे की लंबाई जो है 20 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 7 मीटर है, तो आधा गोला ये हो गया, आधा गोला ये हो गया, तो पूरा गोला हो गया, इसका व्यास कितना हो गया 7 मीटर। तो जब यहाँ आयत कितनी रहेगी, तो इसका आधा होगा 3.5, तो 3.5 इधर से गए, 3.5 इधर से गई, तो यहाँ इसकी लंबाई जो है ये रहेगी 13 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, सारी ये 7 मीटर। तो अब देखो आयताकार जो है, आयताकार बगीचे की लंबाई तो 20 घटा में 7, 13 मीटर, चौड़ाई उसकी कितनी होगी 7 मीटर, क्षेत्रफल क्या हो गया उसका, लंबाई गुणा में चौड़ाई 13 गुणा में 7, तो 91 वर्ग मीटर हो गया। अब इसके अंदर गोलाकार पारक का व्यास, तो अब इसके अंदर है ये 7 मीटर है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 मीटर है, गोलाकार व्यास है 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। अब गोले का क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणा में त्रिज्या गुणा में त्रिज्या। अब यहाँ पे देखो 22/7 गुणा में 7/2, 7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 11 साते 77/2 वर्ग मीटर। अब हमारा ये जो पारक है ये इकट्ठा है, अब सारे को इकट्ठा कर दो इसको सारे, अब पारक का क्षेत्रफल है आयताकार जमा में गोलाकार। अब आयताकार का क्षेत्रफल कितना है, आयताकार का है 91, और यहाँ पे ये कितना आया है 77/2, यानी कि 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 38.5, तो यहाँ पे कितना हो गया अपना ये 9 × 3 = 12.5 मीटर स्क्वायर, सारे का क्षेत्रफल आ गया ये। अब पांचवा है कि एक चिंटी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के पदार्थों को टुकड़ों को चारों ओर घूम रही है, तो इसका वृद्धि का सूत्र है 2πr। अब ये इसने व्यास दे दिया, ठीक है, और इसने वृद्धि का फार्मूला भी दे दिया 2πr, तो पाई का मान कितना हो गया 22/7, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1.4। तो हमें ये चिट्ठी यहाँ से चली इस तरह से घूम करके, और ये यहाँ से चली, यहाँ से चली, या यहाँ से चली, ये लगा करके पूरा चक्कर आ गए, तो ये 2-2 और ये 2.8, तो हमें इसका निकालना है। अब देखो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक
2.8। अब परिधि यानी परिधि निकालने का सूत्र है 2πr, तो r कितनी होगी अपने पास 2.8/2, तो यानी 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया 2 22/7 गुणा में 2.8/2 कर लो, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, 7 चौके 28, 22 चौके 88, तो यानी कि 8.8 सेंटीमीटर ये चली है। तो इस तरह से आपने ये सारे सम करने हैं। थैंक यू। 2 वर्ग मीटर। अब हमारा ये जो पारक है ये इकट्ठा है, अब सारे को इकट्ठा कर दो इसको सारे। अब पारक का क्षेत्रफल है आयताकार जमा में गोलाकार। अब आयताकार का क्षेत्रफल कितना है, आयताकार का यह है 91, और यहाँ पे ये कितना आया है 70/2, यानी कि 2 3 6 2 8 16 38.5। तो यहाँ पे कितना हो गया अपना ये 9 और 3 12.5 मीटर स्क्वायर सारे का क्षेत्रफल आ गया ये। अब पांचवा है कि एक चिंटी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के पदार्थों को टुकड़ों को चारों ओर घूम रही है, तो इसका परिधि का सूत्र है 2πr। अब ये इसने व्यास दे दिया, ठीक है, और इसने परिधि का फार्मूला भी दे दिया 2πr, तो पाई का मान कितना हो गया 22/7, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1.4। तो हमें ये चिट्ठी यहाँ से चली इस तरह से घूम करके, और ये यहाँ से चली, यहाँ से चली या यहाँ से चली, ये लगा करके पूरा चक्कर आ गए, तो ये 2 2 और ये 2.8। तो हमें इसका निकालना है। अब देखो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 2.8। अब परिधि यानी परिधि निकालने का सूत्र है 2πr, तो r कितनी होगी अपने पास 2.8/2, तो यानी 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया 2 22/7 गुणा में 2.8/2 कर लो, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, 7 चौके 28, 22 चौके 88, तो यानी कि 8.8 सेंटीमीटर ये चली है। तो इस तरह से आपने ये सारे सम करने हैं। थैंक यू।